व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में हुए शोध के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि महासागरों में पाए जाने वाले लगभग 80% मलबे का स्रोत समुद्री तट हैं। चलिए अब जानते हैं कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है। तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक कार्बनिक बहुलक है जो पेट्रोलियम से बना होता है। सड़कों और गलियों की तरह हमारे तट और समुद्र तट भी विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक से अटे पड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महासागरों में पाए जाने वाले लगभग 80% मलबे का उद्गम तट से होता है। भारतीय समुद्र तटों के साथ समुद्री कूड़े की व्यापकता शीर्षक से 2017 के एक अध्ययन के अनुसार ओडिशा तट में सबसे कम यानी 0.31 ग्राम प्रति वर्ग मीटर मात्रा है और गोवा तट 205.75 ग्राम प्रति वर्ग मीटर समुद्र तट मलबे की उच्चतम मात्रा है। हैरानी की बात यह है कि अंडमान के द्वीप समूह के तटों के साथ साथ लक्षद्वीप में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तुलना में अधिक कचरा था। चलिए अब नजर डालते हैं समुद्री प्रदूषण के कारणों पर। गोवा के समुद्र तटों पर कूड़ा करकट मुख्य रूप से पर्यटन और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के कारण हो सकता है। हालांकि मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियां भी समुद्र तट के कूड़े में योगदान करती हैं। US नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार सिगरेट बट सबसे आम प्रकार के समुद्री मलबे पाए जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के अनुसार हर साल कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में समा जाता है। चलिए अब जानते हैं कचरे को कम करने के लिए की गई पहलों को। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी भारत में की गई और इसमें वैश्विक नेताओं ने प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने और इसके उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लिया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR की अवधारणा पेश की। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान स्थानीय समुदायों और 75 समुद्र तटों पर पर्यटकों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, उनका पुनः उपयोग और यथासंभव पुनर्चक्रण करने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध में न केवल प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग बल्कि उनका उत्पादन भी शामिल है। 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग को भी 31 दिसंबर 2022 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्लास्टिक एक सिंथेटिक कार्बनिक बहुलक है जो पेट्रोलियम से बना होता है। और 2. विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके विकल्प है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।